जय भीम जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। आज हमने अम्बेडकर सेना मूल निवासी के सभी संगठनों के साथ के लेकर, सभी ऑर्गेनाइजेशनों को साथ में लेकर, कम्युनिटियों के साथ को लेकर, जैसे हमने गुरु रविदास सभा, महाशा सदर सभा, गुरु कबीर सभा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सफाई कर्मचारी, ईसाई मुस्लिम सभी को साथ लेकर एक मेमोरेंडम मानयोग्य डीसी साहब को दिया है कि जो पार्लियामेंट वार्ड नंबर 10 अम्बेडकर चौक है, जो अम्बेडकर चौक पहले ही है, उस पर हम परम पूज्य बाबा साहब का स्टैचू लगाना चाहते हैं। और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम होम मिनिस्ट्री से जल्द ही उसको अप्रूव कराकर आपको वहां पर स्टैचू लाने की परमिशन देंगे। और हम इस पर डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। और हर कम्युनिटी ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने भी इसमें हमारा साथ दिया, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम जय भारत। भारत कहाँ चलेगा रे? आज यहाँ पे जो कठुआ हमारी SC ST OBCs और सर्व धर्म के जो लोग थे, आज यहाँ पे आए हैं। डीसी साहब को एक मेमोरेंडम सौंपा गया है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की हमारी जो NGOs हैं उन्होंने भी साथ लिया। इन्होंने आज डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक है, जो TDS कॉलेज के बाहर है, जिसको कि बाबा साहब के नाम से नवाजा गया है, उसको यहाँ पे बाबा साहब का जो स्टैचू है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल। और यहाँ पे वो हमारी एक जो टीम है, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी बिरादरी हैं, जो सभाएं हैं हमारे कठुआ से, सबके एक सलाह करके सब ने यहाँ पे ये किया गया है कि जो बाबा साहब का जो कि एक सिंबल ऑफ नॉलेज है, सिंबल ऑफ इक्वलिटी है, उनकी जो एक स्टैचू है उसको एस्टैब्लिश किया जाए ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको भी बाबा साहब का जो योगदान है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, उसका ज्ञान होता रहे। और एक हमारा जो एक प्रतीक है बाबा साहब, जो नॉलेज के प्रतीक हैं, उनकी गुणगान जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे कठुआ में उनकी याद में और ज़्यादा आगे उसको बढ़ाया जाए। मगर सानू स्टैचू वास्ते परमिशन लैन आना पिया, पहले तो बड़ी शर्म की गल है। मैं परमिशन तो होनी नहीं चाहिए, पहली गल, कोई गलत काम थोड़ी करता। तो बाकी मैं आखना ये पर सू अज परमिशन जल्द तो जल्द मिलनी चाहिए है। बाबा साहब का स्टैचू लगना चाहता, क्योंकि देखो उत्तर चौंक कि गंद है। अगर बाबा साहब का स्टैचू लगी है उत्तर साफ सफाई भी बरकरार होनी और एक नाम रोशन होना सारे कठुए के, एक बड़ा अच्छा कारण। मैं अपने सारे भाईचारे हाँ, ये स्टैचू बाबा साहब का जल्द तो जल्द लगना चाहता, ये सहयोग करना चाहता। जो साढ़े लाग सेवा होगा अं दिल खोलिए करके अपनी सेवा, मगर मैं चाहना योजे काम वास्ते परमिशन नहीं होनी चाहिए। साढ़े महल उसे 90,000 लैंटर रुके का, मैं कह यार सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं होना चाहता। जय भीम जय भारत। आज हम सभी संगठनों के लोग यहाँ पर डीसी कठुआ से मिलने के लिए आए हैं और डीसी कठुआ जी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का स्टैचू इंस्टॉलेशन करने के लिए वार्ड नंबर 10 में लगाने के लिए उसमें हमने एक एप्लीकेशन प्रोसीड की है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो वहां पर ये पहले से स्टैचू लगना चाहिए था इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के में, लेकिन अभी तक नहीं लगा। लेकिन हमारी एक जवान नौजवान साथी अम्बेडकर सेना मूल निवासी के प्रदीप अम्बेडकर जी ने ये बीड़ा उठाया है और इन्होंने सभी सर्वधर्म के लोगों को, सभी बिरादरियों को, सभी संगठनों को साथ लेकर के आज लिखती रूप से डीसी साहब को मिलने के लिए उनको ये एप्लीकेशन एक फाइल दायर की है। और डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इस पर गौर करके और होम मिनिस्ट्री से मिलकर के उनको ये लेटर दे करके और जल्दी ही बाबा साहब का जो स्टैचू है वो वहां पर लगाने के लिए आपको परमिशन दी जाएगी। लेकर सहयोग से मान जो डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि जो पहले डीसी जाहिदा खान जी ने एक परमिशन दी थी वहां का बोर्ड लगाने के लिए, वो लगाया हुआ है उसी जगह पे स्टैचू लगाने के लिए। सभी लोग जो डॉक्टर बाबा साहब हैं जिन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और एक संविधान भारत को दिया जो आज भारत में चल रहा है, जिसी से लोगों को जीने की राह मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक परमिशन दे बाबा साहब का स्टैचू लगाने के लिए। जय भीम जय भारत।